नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीआईएससीई और आईएससी ने 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 17 अक्टूबर को करेगी जारी। काउंसिल फॉर मेडिकल स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 17 अक्टूबर को परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने की बात कही है, जिसके बाद यह नतीजे काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जहां से छात्र आसानी से परिणाम को देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीआईएससीई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 से 9 अक्टूबर तक आयोजित करवाई गई थी। इससे पहले सीआईएससीई ने जुलाई में परीक्षा के नतीजे जारी किए थे। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लंबित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। बीपीएससी ने ऑडिटर पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑडिटर के 142 पदों पर आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.sudha.coop पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन भरने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार को 18 नवम्बर तक फॉर्म भरने की छूट दी गई है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से एक में विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एवं इसके अतिरिक्त एमबीए, सीएआई, सीडब्ल्यूए और सीएस डिग्री धारक भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। बांका जिले के पर्यटन स्थल में लखदीवा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस मंदिर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह मान्यता है कि प्राचीन समय में यहां 1,00,000 दीप जलाए जाते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने स्वयं को मधुसूदन के नाम से स्थापित किया था। इतिहासकारों का मानना है कि मंदार पर्वत स्थित लखदीपा की बनावट दक्षिण भारत जैसी है और यहाँ के मंदिरों को देख के लगता है कि यह जगह मंदिरों का एक समूह रहा होगा। कांग्रेस ने शरद यादव की बेटी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को भी सौंपा टिकट। विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में अब कई राजनेताओं ने अपने उत्तराधिकारी को उतारना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पहले शरद यादव की बेटी सुभाषिनी को मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट देने के बाद कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसके तहत कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के तहत 24 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,00,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या हर दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,276 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,825 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 49, अरवल में 13, औरंगाबाद में 37, बांका में 15, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 55, भोजपुर में 11, बक्सर में 5, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 43, गया में 45, गोपालगंज में 32, जमुई में 20, जहानाबाद में 46, कैमूर में 9, कटिहार में 42, खगड़िया में 13, किशनगंज में 29, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 45, मधुबनी में 20, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 11, नवादा में 18, पटना में 290, पूर्णिया में 60, रोहतास में 17, सहरसा में 66, समस्तीपुर में 11, सारण में 26, शेखपुरा में 24, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 9, सुपौल में 30, वैशाली में 20, पश्चिम चंपारण में 17। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,88,802 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 972 लोगों की जान जा चुकी है। लोजपा पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया बयान। चुनावी सरगर्मी के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लोजपा को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी दल या राजनीतिक नेता यह भ्रम ना पाले और ना फैलाए कि लोजपा से हमारा कोई गठबंधन है। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव के समय लोजपा ने हमारा साथ छोड़ा है, इसीलिए लोजपा से कोई गठबंधन नहीं है। चुनाव में हम सिर्फ विरोधी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि दो राजनीतिक पार्टियां केंद्र और राज्य के चुनाव में साथ साथ हो। चिराग पासवान ध्यान रखें कि भ्रम फैलाने वालों की दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनीष झा की। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के धमोरा में जन्मे मनीष झा दिल्ली में पले बढ़े, जहां वे कम उम्र में ही चले गए थे। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई जाने का फैसला उन्होंने लिया था, जहां पहुंचकर उन्होंने टेलीविजन निर्देशक के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया था। जब ब्रेक नहीं आया तो उन्होंने बेघर डाल पर 5 मिनट की लघु फिल्म बनाई, जिसने 2002 के कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ज्यूरी पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने मातृ शिशु के प्रभाव के बारे में मातृभूमि के साथ अपनी शुरुआत की, जिसने कई पुरस्कार और महत्वपूर्ण प्रशंसा हासिल की।
सुशांत के भाई को पड़ा दिल का दौरा। सुशांत सिंह राजपूत के भाई और भाजपा के छातापुर विधायक नीरज बबलू को बीते दिन दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नीरज बबलू आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के छातापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, नीरज बबलू सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, जिन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग खूब उठाई थी। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद परिवार के साथ एक ढाल बनकर खड़े हुए थे। बिहार में काबा और बिहार में ईबा के बाद शुरू हुआ का किए हो। बिहार में भोजपुरी में तंज कसने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस की तरफ से बिहार में का किए हो काफी ट्रेंड कर रहा था, जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी और अन्य यूजर ने बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे कि आखिर आपने 15 साल की सत्ता में क्या किया। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। इसमें नीतीश कुमार पर तंज कसा गया और सवाल पूछा गया है कि सिवाय झूठ और विनाश के बिहार को का दिए हो। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि बिहार से करके झूठे वादे, हर बार बिहार के साथ दगा किए हो, इस बार बिहार दगेबाजी पर नहीं करेगा विश्वास, बिहार पूछ रहा है सिवाय झूठ और विनाश के बिहार को का दिए हो। गुरमीत चौधरी ने कोविड-19 को बताया वनवास। बिहार से निकले अभिनेता गुरमीत चौधरी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वहीं कुछ समय पहले रामायण में राम का रोल निभाने वाले गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देवेना बैनर्जी कोरोना के चपेट में आ गए थे। 30 सितंबर को गुरमीत और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद दोनों ही होम आइसोलेशन में थे। मिली जानकारी के अनुसार देवेना के परिवार से कई लोग भी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। कोविड-19 से निकलने की जानकारी उन्होंने खुद शेयर करते हुए बताया है कि आज मेरी और मेरी वाइफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भगवान और अपने फैंस का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारी रिकवरी की दुआ की। उन्होंने लिखा कि जिस तरह 14 साल का वनवास होता है, उसी तरह कोरोना 14 दिन का वनवास था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के ज्ञान पर फिर की टिप्पणी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कई बार तेजस्वी यादव के ज्ञान और बुद्धि पर टिप्पणी कर चुके हैं। जिक्र में उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ज्ञान पर तंज कसा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा अंतर्गत कहरिया पंचायत के उच्च विद्यालय मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसके तहत उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल के पक्ष में वोट मांगे हैं। वहीं इसी दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल में कुछ नेताओं को कुछ ज्ञान तो है नहीं, बस अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं, केवल सत्यानाश करना जानते हैं। हमारे लिए यह तो पूरा बिहार ही परिवार है, हम पूरे परिवार का विकास करते हैं। विधायक का टिकट काटने के क्रम में राजद ने काटे 17 तो जदयू ने काटे 10। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्षी दलों ने विधायकों के टिकट काट दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की संभावना को देखते हुए राजद समेत जदयू ने अपने कई विधायकों के टिकट को काट दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजद ने अपनी तरफ से जहां 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, वहीं जदयू ने 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, क्योंकि यह सीट सहयोगी दल को देनी पड़ी है। वहीं राजद की तरफ से काटे गए टिकट में से 6 सीट शेयरिंग में सहयोगी दल के पास चली गई है, जबकि 11 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर राजद ने मैदान में उतारा है। मुकेश सहनी ने जारी किया उम्मीदवारों के नाम की सूची। महागठबंधन से नाराज होकर भाजपा के साथ शामिल होने वाले मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। वहीं मुकेश सहनी ने खुद सिमरी बख्तियारपुर से मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके तहत आज वो अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। उन्होंने अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि महागठबंधन ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन एनडीए ने मुझ पर मलहम लगाने का काम किया है। वहीं उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची में जयराज चौधरी, सुमन कुमार महासेठ, मिश्रीलाल यादव, राजू कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार ओझा, स्वर्णा सिंह, रामचंद्र सहनी, मुकेश सहनी, लखनलाल यादव, मुसाफिर पासवान और वरुण झा का नाम शामिल किया है। मेरिट लिस्ट को आधार बनाकर बीएसएससी उम्मीदवार की बहाली का दिया गया आदेश। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए बीएसएससी द्वारा सिटी मैनेजर पद के लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों की बहाली होगी। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएससी ने 2016 में सिटी मैनेजर पद के 152 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। विज्ञापन में लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर बहाली की बात कही गई थी। लिखित परीक्षा के लिए 70 जबकि अनुभव पर 30 अंक निर्धारित किए गए थे। लिखित परीक्षा सितंबर 2018 ली गई थी, जिसमें अनुभव के आधार पर केवल 3 अभ्यर्थियों को बहाल किया गया था। इस पर हिमल कुमारी ने आपत्ति जताते हुए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
फोटो मतदाता पर्ची से अब नहीं कर पाएंगे मतदान। आगामी विधानसभा चुनाव में अब मतदाता फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर पिछले चुनाव में फर्जी मतदान की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसको देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में इसे दिखाने पर मतदान की अनुमति नहीं होगी। आयोग की तरफ से मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान साबित करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज विकल्प के रूप में दिए गए हैं। कड़ दिवाली से पहले रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। कोविड 19 के माहौल में ट्रेनों की संख्या अभी फिलहाल कम है, मगर पर्व त्यौहार को देखते हुए रेलवे की तरफ से अधिक स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया गया है। पूर्व मध्य रेल आगामी त्यौहारों में यात्रियों को होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने वाले और पहुंचने और गुजरने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया है। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने चलाई जाने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया है कि गाड़ी संख्या 031-85 सियालदह जयनगर पूजा स्पेशल ट्रेन समेत कई अन्य ट्रेनों का परिचालन 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा की तारीख में फिर हुआ बदलाव। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के सेंटर परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 11 से 19 नवंबर तक आयोजित होगी। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तय की गई थी। पहली बार ऐसा होगा जब बोर्ड सेंटर परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कर रही है। प्रश्न पत्र के जरिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल हो जाएंगे। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह आयोजित करवाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग लगाने की कोई जगह नहीं है, जिसके तहत उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए अपने फेसबुक अकाउंट से निशाना साधते हुए कहा है कि आप बिहार का दुर्भाग्य कह सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगा सकते, कभी कहते हैं कि बिहार समुद्र किनारे नहीं है, कभी कहते हैं कि बिहार के पास संसाधन नहीं है। सीएम साहब, क्या सभी विकसित राज्य समुद्र किनारे हैं? जेपी नड्डा ने गरीबों की मदद करने वालों के पास 56 इंच का सीना होने की कही बात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत रोहतास पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में भाषण देना और नारे लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वही कर सकता है जिसका सीना 56 इंच का होता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति ही बदल दी है। 2014 के पहले चुनाव होते थे तो जाति और मजहब को आधार बनाया जाता था, मोदी जी के आने के बाद काम पर राजनीति हो रही है। एमएलए बेटे के खिलाफ मैदान में उतरे पिता। बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग वाक्या सामने आ रहे हैं। इसी बीच भागलपुर के पीरपैती विधानसभा सीट से पिता पुत्र चर्चा का पात्र बन गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार राजद विधायक रामविलास पासवान के खिलाफ उनके पिता उधाली पासवान ने भी नामांकन किया है। पीरपैती विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से रामविलास पासवान राजद प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि उनके पिता उधाली पासवान ने भी हर बार की तरह पुत्र के साथ साथ नामांकन किया है। रामविलास पासवान राजद के विधायक हैं और 2015 विधानसभा चुनाव में भाजपा के ललन पासवान को 5,144 वोट से शिकस्त देकर सदन में पहुंचे थे। सुशील मोदी ने तेजस्वी के संपत्ति के मुद्दे को लेकर फिर उठाया सवाल। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन पत्र में संपत्ति के बारे में जानकारी छुपाई है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम तेजस्वी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने कामों के लिए सलाखों के पीछे मौजूद है। तेजस्वी ने जो नामांकन में तथ्य छुपाए हैं उनके खिलाफ वो आयोग से शिकायत दर्ज करवाएंगे। टिकटॉक के बोली लगाने में माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट आए साथ। लोकप्रिय चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक के हिस्सेदारी पाने की इच्छा रखने वाले कंपनियों में वॉलमार्ट का नाम भी अब सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के अंदर अपना अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। वॉलमार्ट से इस बाबत बीते दिन एक बयान जारी करते हुए कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के साथ सौदा उसके विज्ञापन व्यवसाय को बढ़ाने और अधिक दुकानदारों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,550 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.80 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था।
मुख्यमंत्री बनने की बहस में फिर उलझी एनडीए और लोजपा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है, जिसके तहत चिराग ने साफ कहा है कि कुछ भी हो जाए मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बिहार में उद्योग की स्थापना करने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते विकास होना संभव नहीं है। जिसके बाद जदयू कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि जो अपने चुनाव प्रचार में नीतीश जी को ले गया हो उसकी तारीफ की हो और उनकी नल जल योजना की तारीफ की हो, अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के विरोध में बोलने लगे। उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ गई है यह देखने की जरूरत है। करीना कपूर खान ने लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर किया इमोशनल पोस्ट। करीना कपूर खान और आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग अब जाकर पूरी हो गई है, जिसके बाद अभिनेत्री करीना कपूर खान ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी यात्राओं का एक अंत होता है। आज मैंने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग खत्म की है। फिल्म समय कोविड-19 मेरी प्रेगनेंसी और नर्वसनेस कोई भी हमारे जज्बे को रोक नहीं सकी। बेशक सभी सुरक्षा नियमों का ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग की गई है। शुक्रिया आमिर खान और अद्वैत चंदन, शुक्रिया पूरी शानदार टीम, पूरी क्रू, आपको याद करूंगी। आपको बता दें फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंटू कुमार, दिलीप कुमार, अरविंद कुमार सिंह, आशीष कुमार चौहान, रविंद्र पासवान, शिवम राज, वाल्मीकि कुमार, विपिन बीसीए, दिविशा कुमारी, नीतीश कुमार, विशाल भान सिंह, धर्मवीर कुमार, ललित मिश्रा, असलम राज, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से बदलाव की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।